क्या बोल रहे हो भाई, 10,000 रुपये में गेमिंग पीसी बिल्ड, सुन रहे हो? अरे भाई, 10,000 रुपये में भी आज के डेट में कोई सो कॉल्ड गेमिंग पीसी बनाता है क्या? ए, तेरा हाथ पकड़ के लाया क्या मैं यहाँ पर? इतनी गर्मी है जेब में तो जाकर 1 लाख रुपए वाला पीसी बिल्ड देखना, वो भी बनाया ला अपन चैनल पर। कहीं को सर्च मारता है जाकर 10,000 रुपीज गेमिंग पीसी बिल्ड, हाँ बोल ना। अब देख आ गया तो, और तुम लोग भी अभी आ गए तो देख के जाने का पूरा वीडियो क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक ड्रीम्स के एक और नए एपिसोड में। तो गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 10,000 रुपये का बजट गेमिंग पीसी बिल्ड, और उसी के साथ गैस करेंगे कुछ नए गेमिंग टाइटल्स को और कुछ सिंथेटिक बेंचमार्क्स इस पीसी बिल्ड के ऊपर। अब स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी आपको क्लियर कर दूं कि मैं इस तरह के 3 और पीसी बिल्ड्स लेकर आने वाला हूँ, और ये पीसी बिल्ड जो है गैस, ये उन लोगों के लिए जो कि एक बहुत ही लिमिटेड या स्ट्रिक्ट बजट के ऊपर है, और वो इतना चाहते हैं कि यार जो भी गेम्स हैं, जो गेमिंग टाइटल्स हैं, वो रन कर जाए हमारे पीसी के ऊपर 720p के ऊपर, गेम्स जो है वो स्मूथली चले, खेलने में गेम्स को मजा आए, लैग्स या फिर स्टटरिंग देखने को ना मिले उनकी गेमिंग में। स्टिल अगर आपका 20,000 या 30,000 रुपए का बजट है तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर एक AMD Ryzen 3 2200G या फिर Ryzen 5 2400G के ऊपर बेस्ड एक पीसी बिल्ड बना लें, और उसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आप लोग गेमिंग करें। लेकिन अगर आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बजट है, 10,000 रुपये 12,000 रुपये इस बजट के ऊपर आप फंस चुके हैं, या इनकेस आपके पास ऑलरेडी कुछ कंपोनेंट्स रखे हुए हैं पुराने, जैसे कि आपके पास DDR3 मेमोरी रखी हुई है पुराने मॉड्यूल्स, या फिर आपके पास हार्ड ड्राइव रखी हुई है, तो आप इस पीसी बिल्ड के साथ जा सकते हैं। इसको यूज़ करते हुए आप एक बहुत ही लिमिटेड बजट के ऊपर रहते हुए भी गेम्स को स्मूथली खेल पाएंगे। तो आइए जल्दी से बात कर लेते हैं उन कंपोनेंट्स की जो कि हम यूज़ करने वाले हैं इस पीसी बिल्ड में। अब गाइस, मेरा प्रोसेसर, रैम और मदरबोर्ड मैं खरीद के लाया जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, न्यू दिल्ली में, यूनिवर्सल कंप्यूटर से, जो कि काफ़ी जानी जाती है अपने पुराने सेकंड हैंड कंपोनेंट्स के लिए। तो मैं वहां से जाकर प्रोसेसर खरीद के लाया। प्रोसेसर मैंने बाय किया AMD का FX6300 6 कोर वाला प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर जो है काफी पुराना हो चुका है, अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में ढूंढे या फिर मैं कहूँ OLX के थ्रू भी इन सम केसेस आप इस प्रोसेसर के ऊपर काफी अच्छे डील्स जो है वो ढूंढ सकते हैं। और इन केस अगर आपको नहीं मिलता है AMD FX6300 तो आप FX4300 या 4100 के साथ भी जा सकते हैं, जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर इनफैक्ट आपको AliExpress पर भी मिल जाएगा, जहां से जाकर ये आपको बहुत ही आसानी से 2000-2100 रुपए के बीच में मिल जाएगा। इसी के साथ में मैंने इस प्रोसेसर को कॉम्बो में बाय किया था विद द मदरबोर्ड एंड रैम। तो मदरबोर्ड गाइस यहां पर मैंने बाय किया Asus का M78LMT LX3 AM3 प्लस सॉकेट के ऊपर बेस्ड मदरबोर्ड, जो कि हम यूज करेंगे इस पीसी बिल्ड में। और अगर मैं आपको बताऊं इन दोनों ही कंपोनेंट्स का टोटल कॉस्ट जो मुझे पड़ा, तो मुझे इस प्रोसेसर और इस मदरबोर्ड का जो ओवरऑल कॉस्ट पड़ा पुराने दोनों कंपोनेंट्स यूज किए, इनका कॉस्ट मुझे पड़ा 3800 रुपए, 3800 रुपीज आफ्टर लिटिल बिट ऑफ बार्गेनिंग। 4500 से शुरू हुआ था लेकिन बार्गेन करके 3800 पर हमको ये डील मिल गई, जो कि बहुत ही ऑसम डील है। अब जरूरी नहीं कि ये डील सबको मिल जाएगी, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप इस केस में FX4100 या 4300 के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में मैं आपके लिए और भी बिल्ड्स लेकर आऊंगा इसी प्राइस सेगमेंट में, जिनमें कि हम ऐसे प्रोसेसर भी यूज करेंगे जो कि बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, और आपको इनफैक्ट ऑनलाइन भी मिल जाएंगे प्रोसेसर यूज कंडीशन में, तो उनके बारे में भी बात करेंगे कुछ आने वाली वीडियोस में। अब मेमोरी की बात करें गाइस, तो मैं यहां पर यूज करने वाला था फर्स्ट ऑफ ऑल 8GB रैम, 8GB मेमोरी यूज करने वाला था, लेकिन हुआ मेरे साथ ये कि मेरा जो एक 4GB का मॉड्यूल था, ये रहा वो मॉड्यूल, तो ये मॉड्यूल जो था ये फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली, काफी पुराना था, तो टेस्टिंग करते करते इसने जवाब दे दिया। फिर यहाँ पर मुझे इस इमरजेंसी में 6GB रैम का यूज़ करना पड़ा क्योंकि मेरे पास और रैम मॉड्यूल्स नहीं थे, तो यहाँ पर मैंने एक 4GB का और एक 2GB का मॉड्यूल लिया, दोनों ही यूज्ड मॉड्यूल्स लिए, DDR3 1600 रैम, दोनों यूज्ड मॉड्यूल्स। 4GB वाला मॉड्यूल मैंने लिया 700 रुपये में, वहीं मैंने जो 2GB का मॉड्यूल था वो मैंने लिया 400 रुपये में, टोटल 1100 रुपये में 6GB रैम यहाँ पर इस पीसी में हमने यूज करी। अब बात कर लेगा इस ग्राफिक्स कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड जैसा कि आपको याद होगा, अगर आप काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं मेरा चैनल तो आपको इस चीज का आइडिया होगा कि मैंने एक बार AliExpress से एक GTX 750 1GB का GDDR5 कार्ड मंगवाया था, जो कि लकीली अभी तक एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही उस कार्ड में। तो अभी के वीडियो में उसी कार्ड को यूज करेंगे, और वो कार्ड मैंने मंगवाया था अराउंड 2500-2700 के बीच में, 2500-2700 के बीच में मैंने मंगाया था, Asus का कार्ड था। तो ये कार्ड हम लोगों ने ऑर्डर किया था, और आज के वीडियो में बेंचमार्किंग के लिए इसी को यूज़ करेंगे बिल्ड में। लेकिन अगर आप बना रहे हैं ऐसा बिल्ड कोई, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप एक GTX 750 Ti ले लें 2GB का,
वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और वो भी आपको 3500 रुपये के आसपास, 3500 रुपीज के आसपास जो है अली एक्सप्रेस पर बहुत ईजिली मिल जाएगा। और जी हाँ, कई लोग कस्टम चार्ज का पूछते हैं, तो मुझे अभी तक लकीली कोई कस्टम चार्ज नहीं लगा है अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स मंगाने में। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आपका टोटल ऑर्डर अमाउंट है वो 5000 रुपये से आप कम ही रखकर चलें, तो काफ़ी कम चांसेस रहते हैं कि आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाए। एंड सेकेंडली, डिपेंड्स अपॉन योर लक, मेरे को नहीं लगा अभी तक, हो सकता है आपको लग जाए, हो सकता है आपको ना लगे, इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर लक। इन सभी गेम्स को बेंचमार्क करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने सैमसंग की 850 ईवो SSD। और हाँ, SSD को यूज़ करते हुए भी इस बिल्ड में कुछ खास जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है ओनली अप टू SATA 2, और जितने भी SSDs हैं, जो भी हमारी नई या पुरानी कोई भी SSD आप उठा लीजिए, सारी SATA 3 सपोर्ट के साथ आती हैं, जो कि अगर 6 GB/s के बैंडविड्थ के साथ, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका जो बैंडविड्थ है ऑलरेडी हाफ हो जाता है, और इसी के साथ आपकी रीड एंड राइट स्पीड्स भी उतनी नहीं आ पाती जितनी आनी चाहिए थी। मार्केट से आप खरीदेंगे तो आपको 1500 से 1700 रुपये के बीच में 500 GB की हार्ड ड्राइव बहुत ही ईजिली मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे उस हार्ड ड्राइव को। पावर सप्लाई यूनिट की बात करें तो इस PC बिल्ड की कोई बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं सर्कल के CPH 698 V12 पावर सप्लाई के साथ। अब ये पावर सप्लाई है, बाकी चीप पावर सप्लाई जो मार्केट में आते हैं एटलीस्ट उनसे बेटर है, आपके सिस्टम को स्टेबल रखेगा ये पावर सप्लाई। और प्राइस की बात करें तो 700 रुपये के आसपास आपको Amazon पर मिल जाता है, वहां से जाकर आप बाई कर सकते हैं इस पावर सप्लाई को। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं यूज करने वाला हूं अपना स्पेयर पावर सप्लाई, जो कि है Corsair का VS650। अब मेरे पास स्पेयर है ये टेस्टिंग के लिए पावर सप्लाई, तो मैं इसे ही यूज करूंगा। अगर आप सर्कल का पावर सप्लाई नहीं भी लेना चाहते तो आप कोई भी 450-400 वॉट का अच्छा पावर सप्लाई ले लो, मच मोर देन इनफ रहेगा इस बिल्ड के लिए। वो कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट यहाँ पर आप कोई भी पुराना कैबिनेट यूज कर सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी था, अगर आप एक बहुत पुराने PC से अपग्रेड कर रहे हैं तो, नहीं तो आप कोई भी बेसिक कैबिनेट ले लीजिए 700 से 1000 रुपये के बीच में विदाउट पावर सप्लाई। अगर आप कोई बेसिक कैबिनेट लेने जाएंगे तो iBall, Intex, Zebronics, बहुत सारे ब्रांड, किसी भी ऐसे ब्रांड का कैबिनेट आपको 700 से 1000 रुपये में एक बेसिक कैबिनेट बहुत ईजिली मिल जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ था मेरा Chiptronics का GNX 100 कैबिनेट, जो कि मेरे पास काफ़ी पहले से मेरा पुराना कैबिनेट रखा हुआ है, तो मैं इसी को यूज़ करते हुए इस बिल्ड को बनाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, अब जल्दी से करते हैं इस PC को हम लोग बिल्ड, और उसके बाद चलते हैं कुछ बेंचमार्क्स की तरफ, और फिर आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट। I'm standing on the edge of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him, sin. With me tonight, I'm gonna run. तो वैसे अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा PC बिल्ड, जो कि हमने किया ये आपके सामने पीछे की तरफ। तो अभी यहाँ पर करते हैं कुछ क्विक बेंचमार्क्स, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने थोड़ा सा ओवरक्लॉक भी किया है यहाँ पर परफॉर्मेंस, ताकि जितना मिल सके एक्स्ट्रा वो लेने के लिए। तो CPU-Z में यहाँ पर है अपना CPU-Z, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं AMD FX प्रोसेसर, और इसको मैंने ओवरक्लॉक कर रखा है 4 GHz पे। आई डोंट नो ये आपको दिखेगा या नहीं, लेकिन 4 GHz पे ओवरक्लॉक कर रखा है स्टॉक हीट सिंक पर ही, और टेम्परेचर्स बहुत कंट्रोल में है, जो कि आप अभी देखेंगे जब ग्राफ आएगा गेम के टाइम पे, तो उस टाइम पे काफ़ी कंट्रोल में टेम्परेचर्स हैं। इसके बाद जो मेरा ग्राफिक कार्ड है उसको भी मैंने ओवरक्लॉक कर रखा है यूजिंग द MSI Afterburner। यहाँ पर मैंने 125 कोर क्लॉक को बढ़ाया है, और 300 MHz मैंने मेमोरी क्लॉक को बढ़ाया, साथ ही पावर लिमिट को भी मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, 115% मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो ये गाइस, सबसे पहले रन करते हैं यहाँ पर PUBG, जो कि आजकल ट्रेंड में है कुछ ज़्यादा ही, देखते हैं PUBG हमारे को क्या FPS मिलता है। सेटिंग्स भी आप लोगों को दिखा दूंगा क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये गाइस, एक बार आप लोगों को सेटिंग्स दिखा दो जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर गेम में। तो फिलहाल यहाँ पर 720p रेजोल्यूशन के ऊपर खेल रहे हैं, 1280x720। इसके बाद बात करें एडवांस सेटिंग्स की, तो सारी ही सेटिंग्स लो पर सेट है, स्क्रीन स्केल 100 पर ही यहाँ पर रखा हुआ है, बाकी सब कुछ लो है। तो बाकी अब आपको दिखाता हूँ FPS क्या आ रहा है, आप देख ही सकते हैं अपने सामने।
बेंचमार्क्स तो आप सभी ने देख ही लिए, तो अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर, किसको लेना चाहिए पीसी। जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया, मैं आपको कोई रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्पेशली जाकर ये पीसी बनाएं। अगर आप किसी ऐसे सिनेरियो में हैं कि आपका बजट बहुत हद से ज्यादा लिमिटेड है यार, आप नहीं स्पेंड कर सकते 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 100,000 रुपये, आपका नहीं है इतना बजट सिंपली, और ना आपके फैमिली अलाउ नहीं करती, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, आप एक बहुत स्ट्रिक्ट बजट के ऊपर हैं और आप एटलीस्ट इतना चाहते हैं, तो आपका मॉनिटर जो है वो 720p का है और आप चाहते हैं कि इस पर एटलीस्ट जो गेम्स हैं वो रन कर जाएं और स्मूथली रन कर दें, ज़्यादा लैग या स्टटर ना आए और मुझे प्लेबल इंजॉयबल एक्सपीरियंस मिले मोर ओवर, तो आप इस बिल्ड के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ से शेयर करें, साथ ही में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं उस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।